सवाला नाना विधि कर्म किए फूले ना समाते थे और चले गए ऐसे भाने अपनी तो कौन कहे। पता नहीं जोन स्वर्ग सीढ़ी लगाते थे बे चले गए जोर काते के सुरखा सीढ़ी लगाने और जब भी नीचे गिरे तो उन्हें भी भजन करो भजन राम 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 और फिर मरे और तुम्हारा गाला है भजन नहीं सुनने तो कहा सुनने कब्बाली सोचो आप। चलो कोई बात नहीं भजन ना सुनो बाबा को सुन लो। अबे हमारे आसाराम को भैया जय सिंह ने सुनाओ तो आसाराम बापू जी को कि कलयुग में आसाराम से बाबा हो गए। एक और विचित्र बाबा हो गए जो घर घर में तहलका पेल है। अब कौन बाबा है सोचियो आप। हम एक लेन गा रहे अपने आप जान जाओ। अरे जय हो बाबा रामदेव ओ घर बारी जो का कर रही अनियाई से जगो 5 बजे कि चाय मिल जाए। चाय नहीं मिला का मिला घर है कि जय हो बाबा रामदेव ओ घर बारी जो का कर रही ओ चाय चढ़ी चूल्हे पे बातो लेन में मजा आए तो ताली हमें जरूर जाने लेकिन असली बात मिले सुन भी है सच्ची बिल्कुल। अरे चाय चढ़ी और चूल्हे पे बातो गोड़े उठा के गिला ने दया करियो बधाई दी बेचारा बहुत मेहनत कर रहा हूं। अब सुनियो आप एक एक लाइन के घोड़े ऊपर करके मैंने की जो कहा कर रही अरे बोली ये होगा कर रहा है तो मैं दिखा रही है घोड़े ऊपर करके बोली देखो पिया हलासन और शीशासन में मूसर बन गई छोड़ के भाड़े बासन। हमने कहा ये बासन गोमा जे बोली भी सब मन जे ओ करे कपाल भारती अब तो खूब भाव से भर रही ओ जबई चाय की बेरा भई बा बहुत बढ़िया। हालांकि एक बात बताएं आपका हमारे जो जे भैया हैं छोटे जय सिंह राजा दिमाग को इतना तेज आदमी है जय सिंह कि जा हम उनका फूल वाला है डर रहे हुए होते जो परिया आराम से घलवा दे। इतना तेज दिमाग इतने आदमी को एक तरह जी हमसे बोले बोले महाराज बोले उतर तुम्हारी बहू के घरे चल रहे मायके में उतः जो है सारे के बहुत लड़का तो तनक हम और तुम चले सो फ्री फिकाया है पैसा ना लगे। हमने कि ठीक है मोटरसाइकिल पे जैसे ही को हम दो जने चले अब उ गांव में पहुंचबे के पहले मोटरसाइकिल पंचर हो गई रात के 12 बजे को टेम। तो हमने कहा यार अब क्या करे राजा बोले कोनो बात नहीं है ई गांव में हमें सब कुछ ही नहीं हमें तो भी गा गए कई बे। तो हमने कि एक काम करो रात की व्यवस्था कर लो रुकबे की सवेरे चले कहते हो ठीक है। बोले आप इतनी रखो हम जा रहे हैं सो जे एक के घरे गए इनने सागर बजाई मुंह में से एक आदमी बाहर करो जैसे ही उसे बोले बोले भाई साहब हम दो जने हैं रात भर तुम्हारे घरे पर सकत वो बोलो नहीं जे बोले काहे बोले इसे क्या हमारे घरे बंगे बिटिया है हम कहा मारे तो बहु बिटिया ने मारो घर आकम और जा। जे बोले ठीक है दूसरे द्वारे पे गए ने फिर बजाई सागर एक जने फिर कड़े बोले भाई साहब हम तुम्हारे घरे पढ़ सकत बोलो नहीं हमारे घरे बंगे बिटिया है। तीसरे पे गए सबने यही जवाब दोगे हमारे घरे बंगे बिटिया है हम ना पा रहे। जय सिंह को दिमाग खराब कि आखिर का करो जाए
जय सिंह फिर उठे दूसरे मोहल्ला में गए सागर बजाई उनमें से एक बढ़िया 22-24 साल का लड़का निकलो नौ एणात बोल रहा बोलो का है जी बोले भाई साहब जो नहीं कहें हम तुम्हारे घर पढ़ सका जी बोले जो बता तुम्हारे घर बोंगे बिटिया है वो बेचारा सो या तो सो बोले है तेरा पैसा कहीं जो का कहीं अरे बोले जो आप पूछ रहे तुम्हारे घर बोंगे बिटिया है बोले भाई साहब औकात में बात करो तमीज से नहीं तो मोटो दे जे बोले हमारा तो उसी टूटो है पहले तब काटो दे बताओ बेचारा लड़ पत्रो आदमी हमारा तो काटो दे तो हमने की जैसे ही पत्रों ने कर लियो कहा होगा बोले कुछ नहीं महाराज दो मिनट में आ रहा है इंतजाम करके बोले बताओ भाई साहब तुम्हारे घर बंगे बिटिया है सो उठाओ लैपटॉप जय सिंह बोले यार महाराज का आया है इतना गलत हमने कहा के दी जे बोले यार तुम्हें शर्म नहीं आई तो काय पूछ रहे बंगे बिटिया बोले भैया हम कुछ हमें तुम्हारी बहु बिटिया से क्या करने हम तो ई से पूछ रहे हमें तुम्हारे घर पन्ने हैं हो तो बताओ ना हो तो बताओ ई के अलावा कोई काम नहीं तो ये इतने खतरनाक दिमाग के प्राणी क्या एक एक, एक लाइन और ही गीत की इसके बाद हम दो जने एक गीत आप कहिए बोलो सुनाए और फिर दूसरे कला ठीक है लिख रहे हमारे राजा भान सिंह चौहान का लिख रहे कि ठाड़ी भाई कमर मटकारई करन लगी है डिस्को अरे करन लगी है डिस्को और हाथ पांव फटकारे जैसे ही हमने सोची खिसको अब जो हाथ जो यो घोड़ा ओ कदम ताल में गिरी सो जैसे ही कात के दैया मर गई अरे जब ही चाय की बेरा भई बा घोड़े चाय की बेरा भाई बढ़िया ताली बजाओ एक गीत हम दो जने आपकी सेवा में सुना रहे हैं जो कि कलाकार बहुत है।